Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel. And those who are new, welcome to my channel. Allah Rumi, come on. तो फ्रेंड्स अभी ना मैं बाहर से आई हूँ सामान वामान लेके, और ये देखो हाथ पूरे लाल हो रहे हैं, नाक भी लाल हो गई, इतनी ठंड थी बाहर सच में, बहुत कोरिया में ठंड आ गई है. रोमी, बस रोमी हमेशा ऐसा करता है, उसको जब तक शोल्डर में ना उठाओ ना. तो अभी ना मुझे बहुत भूख लगी है, तो आई एम सो एक्साइटेड कि आज हम पास्ता और पिज़्ज़ा बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, बस मुझे गर्म वरम करके कुछ करना है. तो चलो अभी किचन में जाते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, पानी वानी पीऊँ, बैठूँ, फिर चलते हैं. तो ये है पिज़्ज़ा, जो कि चीज़ पिज़्ज़ा है. मैंने ये पहले भी बहुत बार खाया है, लेकिन जब भी मैं खाती हूँ मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है. मतलब ऐसा नहीं लगता मैं चीज़ें रिपीट कर रही हूँ. तो ये जो पिज़्ज़ा है ना, उसको ऐसे प्लास्टिक बैग में अंदर था, तो मैंने क्या करती हूँ, सबसे पहले प्लास्टिक खोल देती हूँ अच्छे से, और इसमें ये फ्रेश मोज़रेला के गोल गोल सर्कल्स हैं और ऊपर टोमेटोज़ वगैरह हैं. तो इसको मैंने बटर पेपर लगा के और पैन को मैंने गर्म कर दिया था 5-10 मिनट के लिए, हल्की सी आंच में. और उसके बाद मैंने ना इसमें पिज़्ज़ा डाल दिया. मैंने पिज़्ज़ा पैन में भी बहुत बनाए हैं, मतलब पूरा घर में पूरा प्रोसेस. और ये फॉइल पेपर ऊपर लगा दिया और ऊपर ढक्कन दे दिया ताकि कोई धुआं बाहर ना निकले. तो मैं नॉर्मली पिज़्ज़ा घर में बनाती हूँ ऐसे स्टाइल में ही, और इसको 20 मिनट के लिए रख दिया. तो पिज़्ज़ा इसमें जब तक बन जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, चीज़ ब्रेड भी पक जाएगी. और अभी ये है पास्ता. नॉर्मली मैं बाहर से इतना खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार जब मैं जाती हूँ ना ई मार्ट वगैरह, होम प्लस या किसी भी मार्ट में, मतलब उधर, तो मैं लेके आती हूँ ऐसी वैसी चीज़ें. तो आज मैंने पिज़्ज़ा और पास्ता उठा लिया था, और पास्ता अंदर से ऐसा था पूरा, इतना हार्ड था वो, क्योंकि पूरा फ्रोज़न था. तो उसको मैंने ना 6-7 मिनट के लिए रख दिया था, और ये नहीं बना था असल में, क्योंकि आप लोग चेक कर लो यहाँ पे ना अंदर पूरा हार्ड था. और या तो मेरे ओवन में ज़्यादा पावर नहीं था, क्योंकि कुछ ओवन्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो डिपेंड करता है. ओवन नहीं भी हो सकता है, असल में ही बहुत बर्फ़ था ना. तो अभी फिर से मैंने इसको ओवन में रखा, और ये सिंपली कौन सा पास्ता इसको बोलते हैं, मरीनारा पास्ता, जो कि मतलब रेड सॉस होती है, टोमेटो सॉस, और इसके अलावा चीज़ होता है मोज़रेला. और ये ना देख लो यार, इतना चीज़ है कि पूरे एक दूसरे में चिपके हुए हैं ना. और तब तक पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया, और ये पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी था ना, ये टोमेटोज़ का पानी था, कोई स्टीम का पानी नहीं था, ठीक है. और ये पिज़्ज़ा का जो बेस्ट चीज़ है ना, उसमें जो एक तो फ्रेश मोज़रेला के पीस होते हैं, और ऊपर से इसमें जो ग्रीन कलर की ये सॉस लगी हुई है ना, चटनी, वो बहुत टेस्टी होती है, वही इस पिज़्ज़ा का टेस्ट बढ़ाती है. और यहाँ पे ये वाले पिज़्ज़ा जो मिलते हैं ना, वो थिन क्रस्ट के होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत मज़े के होते हैं. एक पर्सन तो खा लेगा इतना पिज़्ज़ा, इतना होता है. तो अभी मैंने क्या किया, अपनी टेबल रेडी कर दी, और मैं बिग बॉस भी चला दिया टीवी में, मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देखूंगी. तो अभी ना पकाते पकाते इस पास्ता जो है ना, ये पकने में बहुत टाइम लगा, पता नहीं क्यों, फ्रोजन था बहुत, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मुझे बहुत भूख लगी है. टोमेटोज ना इस मार्गरिटा पिज़्ज़ा, वाओ ये देखो, वाओ कैसे लटक रहा है चीज का पार्ट. ये पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, ये चीज़ पिज़्ज़ा है, लेकिन आई लव दिस पिज़्ज़ा. इसकी ब्रेड जो है ना पिज़्ज़ा की, वो बहुत ही पतली है, तो फ्राइंग पैन में आराम से बन जाता है, कोई ओवन की ज़रूरत नहीं होती. और कोई सा भी पिज़्ज़ा अगर आप फ्रोज़न लेके आते हो ना, अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो आप फ्राइंग पैन में वो, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादातर पका हुआ होता है, बस उसको हल्की सी स्टीम में थोड़ा बनाना होता है, और बहुत टेस्टी है यार. नेवर एंडिंग चीज है. अभी मैं खाना खाते खाते बिग बॉस देखूंगी, तो इसलिए मैं जस्ट टेस्ट करके दिखा रही हूँ, फिर मैं आराम से खाऊंगी. और इसमें कितना सारा चीज है, सारे पास्ता एक दूसरे से चिपक गए, क्योंकि इसमें बहुत चीज है ना, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव था, नहीं तो पास्ता की क्वांटिटी बहुत कम है. वैसे पास्ता जो है ना, वो होते भी एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू नूडल्स. ये खाना वाना खा के फिर मैं ना सारे मेरे कॉफ़ीज़ वगैरह है, जो कॉफ़ी ड्रॉअर वगैरह है ना, उसमें अरेंज करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा, और हम ना वो भी करेंगे, कोई कॉफ़ी ट्राई करेंगे आज, जो कॉफ़ी मैंने ट्राई नहीं की होगी, नई वाली वो.
उम्मीद नहीं की थी इतना टेस्टी होगा, लेकिन बहुत टेस्टी है ये। सिंपल सॉस क्या है, टोमेटो सॉस पास्ता है, सिंपल चीज, आई लव इट। ये कंटेनर बड़ा अच्छा है, खा के भी फेंक दो, ओवन में भी चला जाता है। कोरिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ओवन में आराम से चली जाती हैं। तो एनी वेज बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो चलो बिग बॉस भी चलूँगी चलाऊँगी, बाद में मिलते हैं। तो अभी ना टीवी में बिग बॉस चल रहा है, तो मैं सोचा कि बिग बॉस देखते के और मैं ना इसको अपना सेट कर दूँ। कॉफीज रखने के लिए ये मैंने लिया था 250 से। ऑलमोस्ट खाली हो गया, इसमें कुछ नहीं है। हर्बल टी और ये है कॉफी, हॉट चोको, बस बाकी सारा खाली है। सो आज इसको हम ना भर देंगे, बहुत सारे सामान है मेरे पास। ओके, तो सबसे पहले ना ये कैरामेल माखिया जो कॉफी है, जो कि ना मिल्क कॉफी होती है, बस गर्म पानी में डाल दो और बन जाती है। इसके अंदर ना 10 स्टिक्स हैं और ये अराउंड $2 की थी, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। ये जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी ना, तो मेरे घर वालों के लिए लेके जाऊंगी। ये कोरिया की बहुत ही फेमस कॉफ़ी होती है, स्टिक कॉफ़ी, बस इसे पानी में मिला के पी लो। तो ये मेरा रख रही हूँ, क्योंकि ये वाला भी जस्ट ऐसे ही है, गर्म दूध में डाल के पी लो और ये भी गर्म पानी में डाल के पी लो। तो इसलिए ना ये सारे मिक्स कॉफ़ी भी मैं इस सेक्शन में रखूँगी। और उसके बाद ये मफिन्स वगैरह हैं, ये बाद में मैं सोचती हूँ कहाँ रखूँ। और ये वाली ना न्यू कॉफ़ी थी, एली कैफे, तो इसके अंदर ना 15 स्टिक्स हैं। और ये ब्लैक कॉफ़ी है, इसको ना मुझे चाहिए होगी सीज़र, नहीं तो इसको ऐसे ही फाड़ देते हैं, यहाँ से खुलेगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं था कौन से डब्बे में क्या टेप लगे हुए। ओ ये बहुत क्यूट सी है, छोटी सी। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, कभी क्लास करती हूँ या कभी ना यूनिवर्सिटी जाती हूँ या काम पे जाती हूँ, तो उस टाइम ऐसे कॉफ़ीज काम के होते हैं कि आप ना बैग में डाल दो। मेरे बैग में ऐसे फिर कॉफ़ी रख दूँगी तो आराम से, ये देखो ऐसे होती है, तो ये आराम से मतलब पी सकते हैं। अच्छी खासी है यार, आपको पता नहीं, मुझे दिख नहीं रही स्क्रीन, तो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये मैंने ऐसे रख दिया है। और दूसरी ये है कानो कॉफ़ी, खानो, और ये हम अगर हमारी लैंग्वेज में कानो बोलेंगे, लेकिन अगर कोरियन में या इंग्लिश में बोले खानो, खानो मैक्सिम। और इसको भी रख देंगे इस मिनी कॉफ़ीज़ के साथ ही, और ये उससे भी छोटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये सारे ब्लैक कलर में होते हैं और ये वाला रेड कलर में, रेड एंड ब्लैक, क्यूट सी कॉफ़ीज़ हैं। ब्लैक कॉफ़ी से क्या होता है कि सर का दर्द चला जाता है और फ्रेश फील होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो रोस्टेड कॉफ़ीज़ होती है ना, रोस्टेड वो। और उसके बाद मैंने ये वाला लिया था नेस्कैफे, जो कि मैं अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में, ये वाला बनाती हूँ, या फिर अगर जल्दी में बनाना है तो बस ये बना लूँगी। और ये मैंने चॉकलेट लिया था, जो कि चॉकलेट और स्पून के साथ था। अब ये भी नहीं खुलेगा क्योंकि इसमें टेप लगी हुई है ना, थोड़ी देर के बाद खोलती हूँ, लेकिन ये स्पून है, तो ये अभी हम खाने वाले हैं थोड़ी देर में। और उसके बाद ये ब्लैक पेपरोनी, ब्लैक कुकीज़ हैं, वो खाएंगे अभी। उसके बाद ये मैं जब सुबह सुबह जाती हूँ ना काम पे, तब मैं ये लेके जाऊँगी, ये कैफे लाते, नहीं कैफे लाते, हाँ कैफे लाते, और ये अमेरिकानो, ये फिलहाल है। और ये वाली न्यू कॉफ़ी है जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की, हाउस ब्लेंड ग्राउंड कॉफ़ी, तो ये मुझे देखना पड़ेगा, ये शायद वो करते हैं फिल्टर करके पीते हैं ये वाली कॉफ़ी, ऐसे ही डायरेक्ट पानी में शायद नहीं मिला के पीते हैं। एक दो तरीका होता है, एक फ़िल्टर करने का, एक प्रेस करके बनाने का, तो ये मैं फ़िल्टर करके पीऊँगी। मेरे पास फ़िल्टर पेपर है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है जो फ़िल्टर पेपर के नीचे रखते हैं ना, एक ग्लास टाइप होता है जिसमें 3 होल होते हैं, कॉफ़ी आराम आराम से नीचे गिरती है, वो मेरे पास नहीं है, तो वो मुझे शायद ख़रीदना पड़े। लेकिन ये कभी ट्राई करूँगी तो मैं आपको रिव्यू दूँगी ये कैसा है ये वाली कॉफ़ी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है ना, इसमें मैं क्या करूँगी, ये मेरे कुकीज़ या फिर ये केक मफिन, और मेरे पास बाहर कुछ बिस्किट्स पड़े हैं, तो वो मैं इस लास्ट वाले बॉक्स में डाल दूँगी। फिलहाल ये वाली कॉफ़ी भी इधर डाल सकते हैं।
ये वाली कॉफी नहीं डाल सकते, ये वाली कॉफी ना वो है, ये वाली डाल सकते हैं, लेकिन इसको ना थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे करके ठीक है, ये हो गया डन। अभी इसको भी हम खोल देते हैं। तो अभी हमारे पास रात के बज रहे हैं 10:30 और मैंने बस खाना वाना खा लिया, पास्ता और पिज़्ज़ा। मुझे ना वो वाली कॉफ़ी पसंद नहीं है जो ज़्यादा ही बिटर होती है, लेकिन अमेरिकानो पसंद है। स्टार्टिंग में बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्टार्टिंग में पीने से ना बहुत उल्टी उल्टी आती थी कि क्या है, जहर जहर जैसी लगती थी अमेरिकानो, लेकिन अभी अच्छी लगती है कोरिया में आने के बाद, पहले तो बिल्कुल भी नहीं। अभी इसको ना मैं क्या करूँगी, बाहर रख के आऊँगी। बाहर ना हमारे पास बहुत ठंड है ना, तो मैंने रूम हीटर जो है वो खोल देती हूँ ताकि फ्लोर वगैरह गर्म हो जाए, और ये डब्बा मैं बाहर रखती हूँ जिसके आसानी हो जब भी बनाना पड़ता है कुछ भी। तो ये इधर ओके, और बाकी सारा कचरा जो है ना ये सब कुछ फेंकना पड़ेगा। चलो अभी गरम गरम पानी लेके आई हूँ जिसमें ना कॉफी बनाएंगे। मैं ना ये वाली पीना चाहती हूँ आज कॉफी, ये वाली। अगर आप कोरिया में हो तो खरीद सकते हो, मैं इसका रिव्यू दे दूंगी कैसी है। तो फिलहाल इसको ना थोड़ी देर के लिए साइड में रखती हूँ। सबसे पहले हम खोलेंगे ये ब्लैक वाला पेपरोनी, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो है ना वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है, इस टाइम देखा है। पेपरोनी कोरिया में हर साल आता है, पेपरोनी डे। इसके अंदर दो है, लेकिन ऐसे ब्लैक वाला कभी नहीं देखा, दो पैकेट से। तो हम इसको खोलते हैं इधर से। ये है, इट्स नॉट ब्लैक, बेस्ती हो गई। ये तो वो है डार्क चॉकलेट, ब्राउन कलर का चॉकलेट एंड बिस्किट। लेकिन इस डब्बे में ना ब्लैक कलर दिख रहा था, चोको डबल डिप, दो बार डिप किया हुआ है, पहले वाइट फिर ब्राउन, लेकिन ब्लैक। डार्क चॉकलेट है, मीठा नहीं है, थोड़ा सा बिटर है। और दूसरी चीज जो है, मैं एक्साइटेड हूँ, चोको स्पून मिल्क एंड डार्क चॉकलेट लिखा हुआ है जहाँ पे ना, ये लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन है, और ये ना स्पून शेप में है। तो मैंने कहा ये क्या बात है, अरे यार इसको तो खोल के आई थी मैं अभी, मुझे मिल नहीं रहा था निशान, मैंने कहाँ से खोला। वैसे मैं नॉर्मली चॉकलेट्स नहीं लेती हूँ, मैंने आज सिर्फ लिया है शौक शौक में, लेकिन मैं चॉकलेट लेके नहीं खाती हूँ। और ये रहा, मेरी बहन है ना राबिया, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, वो ऐसे कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ना वीडियो दिखाने के चक्कर में ना चीज़ें गिर जाती हैं। तो अभी आप ऐसे देखो, ये वाह कैसे बनाया हुआ यार, इतना खूबसूरत है, डिज़ाइन भी बनी हुई है नीचे। अब डेफिनेटली मैं इसको कॉफ़ी में तो मिक्स नहीं कर सकती, स्पून चला जाएगा कॉफ़ी के अंदर। कैसे दिखाऊं आप लोगों को, अच्छा दिखा, चॉकलेट अच्छा है लेकिन स्पून का शेप खराब हो गया। ओके अब लास्ट कॉफी पी के देखूं। मैं पर्सनली नहीं खाती इतना चॉकलेट, बहुत मीठा लग रहा है क्योंकि वेट गेन हो जाता है यार। अभी ये कॉफी देखूं कैसी है, टेस्ट में मेरे दांतों में चॉकलेट फंसा हुआ है। बहुत टेस्टी है, मैक्सिम और उससे नेस्कैफे से डिफरेंट, लाइट है। बहुत टेस्टी है ब्लैक कॉफी।
तो बस आज का दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया, काम वाम करके। और दिन को मैंने पढ़ाई की थी, फिर सुबह क्लास भी की थी, और एक क्लास में गई नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने टीचर को ईमेल करके अपना पीपीटी फाइल जो है वो सेंड कर दी। अभी बस मैं ना, लूसी चिल्ला रहा है तो लूसी को खाना दूंगी, रोमी को खाना। और मैं, मेरा बिग बॉस अभी रहा हुआ है, स्टॉप कर दिया है बीच के रास्ते पे क्योंकि बिग बॉस में वो तंग कर रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़, बाय बाय। बस खुदा हाफिज़।